भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में, उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, तख्ता पलटा। जहां कांग्रेस वोटिंग से पहले जीत का दावा कर रही थी, उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तो हुई है, लेकिन अब उसे इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस अब विधानसभा में बीजेपी के विधायकों और कांग्रेस और उन निर्दलीय विधायकों को जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए हैं उन्हें सस्पेंड कर सकती है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्य के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिले और सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहां पर कही है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जो मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे। दो बार हाउस उन्होंने एडजॉर्न कर दिया, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी दी, और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में, कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है उनको नोटिस जारी कर दिया है, और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। देखो इन सारी चीजों को लेकर के वही हाउस में ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना, बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद, ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी। वही हिमाचल प्रदेश राज्यसभा में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी नेता हर्ष महाजन ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी कर दिया है। तो वो बड़ी बात है कि लास्ट डिच एफर्ट, इनको सस्पेंड कर दो, इनको डिसमिस कर दो, इनको क्वालिफाई डिसक्वालीफाई, कितने दिन चलेगी ये सरकार, इनको डिसक्वालीफाई कर दो। ये आज संविधानिक तरीका अपनाने में टुले हुए हैं, तो ये और नहीं और अपनी अपनी जो ये बुरा करने को तैयार है। एक तो वैसे ही मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप शुरू आज से शुरू हो जाए। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जब सुक्खू सरकार के गिरने के दावे किए जाने लगे और सीएम सुक्खू से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए पहले आप मेरी बात सुनिए, जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया, जब घर उनके घर वाले पूछ रहे, तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोच रहे। जाहिर है इधर हिमाचल कांग्रेस भी अपनी हार पर बौखलाई है, जिसका नतीजा ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गंभीर एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में एक तरफ सुक्खू सरकार के गिरने और बीजेपी सरकार के आने और बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड करने के डर के बीच हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल बेहद तेज है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।